नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। आप अभी ये जो टी स्टॉल मेरे पास देख रहे हैं, ये टी स्टॉल है प्रियंका गुप्ता यानी कि ग्रेजुएट चाय वाली की, वही ग्रेजुएट चाय वाली जो मीडिया में काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी कुछ दिनों पहले। लेकिन एक बात बता दें कि कल ये जो टी स्टॉल है, ये प्रियंका गुप्ता के टी स्टॉल को पटना नगर निगम वालों ने हटा दिया था यहाँ पर से, लेकिन आज फिर से ये टी स्टॉल यहाँ पर नजर आ रही है। कल प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली गई थी राबड़ी आवास पर उसने जाकर के लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से गुहार लगाई थी कि पटना नगर निगम वालों द्वारा जो है उनका टी स्टॉल हटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल से ये टी स्टॉल वापस से आपको यहीं पे दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कई लोग हैं जिनका टी स्टॉल या फिर कई ऐसे जो स्टॉल्स हैं वो सड़क पर लगे रहते हैं और उन्हें पटना नगर निगम वालों द्वारा हटा दिया जाता है, लेकिन क्या मीडिया में आने मात्र से और मीडिया में हाईलाइट हो जाने से सिर्फ सरकार उनकी सुनती है? ऐसे कई लोग आपको सड़क पर मिल जाएंगे जिन्हें यह कहकर हटा दिया जाता है कि यह अतिक्रमणकारी है और ये सड़क पर अपना स्टॉल नहीं लगा सकते, लेकिन सिर्फ मात्र मीडिया में हाईलाइट होने के वजह से ये टी स्टॉल जो है आप देख सकते हैं इसे यहाँ पर एक बार फिर से लगा दिया गया है। बता दें कि पिछले दिन जो प्रियंका गुप्ता चाय वाली है वो राबड़ी आवास पहुंची थी, वहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से गुहार लगाया था उसने कि उसकी टी स्टॉल पटना नगर निगम द्वारा हटा दी गई है। अधिकारियों ने कहा था कि उसकी स्टॉल नहीं हटेगी, लेकिन उसके बाद भी हटा दी गई है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल से ये टी स्टॉल जो है वो फिर से यहाँ पर लग चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। क्या सिर्फ सरकार उन्हीं लोगों की सुनती है जो मीडिया में हाईलाइट होते हैं? ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनका स्टॉल्स होता है पटना नगर निगम द्वारा हटा दिया जाता है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।